धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के इस अभिनंदन प्रस्ताव पे मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को जिस तरह से बुजदिली के साथ, मैं कहूंगा पता नहीं कोई ये वर्ड गलत नहीं हो जावे, ना मर्दों के साथ, ना मर्दों की तरह से जिस तरह से बुजदिनाला हमला हमारे सिपाहियों पर हुआ है, हमारे 135 करोड़ लोगों का दिल बिल्कुल जला हुआ था, खून खौल रहा था कि इसका बदला तुरंत लेना है। सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया सरकार को कि तुरंत, हम सब सरकार के साथ खड़े हैं और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आज सुबह जब मैंने पहली न्यूज सुना, अध्यक्ष महोदय, इतनी खुशी हुई है कि मैं दिल की गहराइयों से अपने देश की फौज को सलूट करता हूं कि उन्होंने 135 करोड़ जनता का आज जो है दिल जीत लिया है। और मैं इस माध्यम से पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहता हूं कि होश में आ जाओ पाकिस्तान के लोगों, भारतवर्ष के अंदर इतनी ताकत है कि अगर एक बार ठान लिया ना तो दुनिया के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिटा देने की ताकत रखते हैं ये बिल्कुल। और हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, बार बार जो होता है देश के अंदर, एक बार नहीं, जब तक पाकिस्तान के लोग घुटने टेक करके, हाथ जोड़ करके भारतवर्ष के सामने खड़े नहीं होते हैं, उस वक्त तक ये स्ट्राइक जारी रहना चाहिए और हमला जारी रहना चाहिए। मैं बहुत खुशी है मादरे, मैं बार बार चिल्लाता हूं, मादरे वतन जिंदाबाद, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। आज फौज ने मनोबल बढ़ा दिया है 135 करोड़ जनता का, बहुत खुशी है मैं इस बात की। मैं फौज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, और मैं इस प्रस्ताव को दिल की गहराइयों से सपोर्ट करता हूं।